नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका यूनिट एडमिन है वो किस तरीके से ट्रांसफर मॉड्यूल में जो उनको सर्टिफिकेट एक सबमिट करना है, जितने भी उन्होंने ओल्ड प्रायोरिटी जो लगी हुई है ट्रांसफर्स के रिगार्डिंग और रिक्वेस्ट के ट्रांसफर के रिगार्डिंग, उन ओल्ड एंट्रीज को किस तरीके से सर्टिफाई करेगा, किस तरीके से वो एचआरएमएस में एक सर्टिफिकेट सबमिट करेगा, उसके बाद उस यूनिट के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। जो आपकी अभी जो रिक्वेस्ट सुपरवाइजर की आईडी पर नहीं दिखा रही है वो सारी रिक्वेस्ट आपकी सुपरवाइजर की आईडी पर दिखने लगेंगी और आगे जो भी आपके केसेज है वो उस यूनिट के लिए प्रोसेस होने लग जाएंगे। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक यूनिट एडमिन किस तरीके से ट्रांसफर मॉड्यूल में सर्टिफिकेट सबमिट करेगा। तो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। और यूनिट एडमिन को सर्टिफिकेट सबमिट करने से पहले कौन कौन सी बातें याद में रखनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, वो सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम पूरे ट्यूटोरियल के साथ सीखेंगे कि किस तरीके से आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जोरवर टेक पर। तो गाइज, आपने अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर दबाइए। मैं यहाँ पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो गाइज, किसी भी यूनिट एडमिन को सर्टिफिकेट सबमिट करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात याद में रखनी चाहिए कि एक तो पहली बात यह है, कोई भी ट्रांसफर, कोई भी ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का केस जो आपका पेंडिंग चल रहा है, जो आपका प्रायोरिटी रजिस्टर में एंटर्ड है, वो छूटा हुआ नहीं होना चाहिए। सारे केसेस की एंट्री एचआरएमएस के प्रायोरिटी रजिस्टर में हो जानी चाहिए। यहाँ पर अभी हम सिर्फ आउटगोइंग ट्रांसफर के केसेस की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है कि यूनिट एडमिन को ये भी चेक कर लेना चाहिए कि जो प्रायोरिटी जो उन्होंने एंटर्ड की है वो एज पर रूल के हिसाब से है ना, सबकी प्रायोरिटी जिस हिसाब से रजिस्टर में प्रायोरिटी बनी हुई है उसी हिसाब से एचआरएमएस में भी प्रायोरिटी आ रही है ना, ये चीज भी यूनिट एडमिन को चेक कर लेनी चाहिए। अगर आपने सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया तो उसके बाद आप कोई भी एंट्री नहीं कर पाओगे और किसी भी प्रायोरिटी में आप बदलाव नहीं कर सकते हो। अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो वो आप तुरंत कर लीजिए सर्टिफिकेट सबमिट करने से पहले। अब मैं आपको ले चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर, वहां देखते हैं कि एक यूनिट एडमिन किस तरीके से सर्टिफिकेट सबमिट करेगा ट्रांसफर के रिगार्डिंग। और जैसे ही वो ट्रांसफर का सर्टिफिकेट सबमिट कर देगा उसके बाद उस यूनिट के लिए ट्रांसफर एप्लीकेशन फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा। जितने भी कर्मचारियों की जो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर सबमिट हुए हैं या म्यूचुअल ट्रांसफर सबमिट हुए हैं वो उनके सुपरवाइजर की आईडी पर दिखने लग जाएंगे। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर। तो गाइस, सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं कि यूनिट एडमिन की आईडी से। तो मैंने यहाँ पर एक यूनिट एडमिन की आईडी से लॉगिन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है और ट्रांसफर वाले एप्लीकेशन पे जाना है। ये वाला जो मेन्यू है आपका ट्रांसफर वाला, इस पे आपको जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे एक ऑप्शन है सर्टिफाई प्रायोरिटी एंट्री कम्प्लीशन। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्टिफाई प्रायोरिटी एंट्री कम्प्लीशन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और यहाँ पे ये सारी एंट्री जो आपकी यूनिट ने की है वो आपको यहाँ पर दिखाने लग जाएंगे। अगर इसमें से कोई भी एंट्री जो आपकी एक्सेप्टेड नहीं है तो वो आपको यहाँ पे रेड कलर से दिख जाएगी और यहाँ पे एक मैसेज आता रहेगा कि आप पहले अपनी सारी एंट्रीज एक्सेप्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, व्यू ट्रांसफर लिस्ट जो आपको नीचे दिख रही है और व्यू प्रायोरिटी। यहाँ पे जाके आप प्रायोरिटी देख सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज जो भी प्रायोरिटी रजिस्टर में एंट्री है उसके अनुसार एंटर है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आउटगोइंग की और इस पर क्लिक करेंगे तो इनकमिंग की, फिलहाल हम आउटगोइंग की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए जिस भी हिसाब से जिस भी डिपार्टमेंट का देखना वो आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे डेजिग्नेशन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे गो करना है। गो करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका आप जिस जिस यूनिट के लिए लगाया है कर्मचारियों ने वो सारी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये कंबाइंड प्रायोरिटी लिस्ट भी आ जाएगी जो आपकी बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पे आपको चेक कर लेना कि जो भी आपकी प्रायोरिटी है वो एज पर रूल है या नहीं है, वो सही तरीके से मेंटेन है या नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पर जाकर तो हम देख सकते हैं प्रायोरिटी, ठीक है। अगर आपको लिस्ट देखनी है तो ये सारी लिस्ट है, इसको आप यहाँ से एक्सेल या पीडीएफ में डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद देखिए ये सारी कंडीशन है यहाँ पर लिखी हुई है जो भी इस प्रायोरिटी एंट्री की सर्टिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेड कलर से लिखा हुआ है दिस स्टेप इज इरिवर्सिबल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड इन द एंटर डाटा आफ्टर दिस। यानी कि आपने ये सबमिट कर दिया तो उसके बाद आपको कोई भी अलाउ नहीं होगा
इस डाटा में मॉडिफिकेशन करने के लिए। तो ये सारी जो गाइडलाइन लिखी हुई है इसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको इस प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये प्रोसीड वाला बटन है, इस पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा, ठीक है, जिसमें लिखा होगा आई सर्टिफाई दैट ऑल द पेंडिंग ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर केस हैव बीन रिकॉर्डेड इन द सिस्टम एंड नो मोर एंट्रीज नीड टू बी मेड। तो यहाँ पर मैं जस्ट क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है फिर से। तो मैं यहाँ फिर से प्रोसीड बटन पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरीके से आएगा। फिर यहाँ पे एक और आएगा चेक बॉक्स, जिसमें लिखा होगा आई सर्टिफाइड दैट द एंट्री मेड ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर केसेस आर करेक्ट, ठीक है, एंड नो फर्दर मॉडिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू बी मेड। मैं फिर से इस पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं यहाँ फिर से प्रोसीड बटन पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक मेरे पास मैसेज आता है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड दिस एक्शन इज इरिवर्सिबल, ठीक है। इसको करने के बाद अगर आपने यस कर दिया तो उसके बाद यहाँ पर आप कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर पाओगे। अगर इसमें कुछ कमी है तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिलहाल यस पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप यस पे क्लिक करेंगे तो जो ये ट्रांसफर मॉड्यूल है वो आपकी यूनिट के लिए एक्टिवेटेड हो जाएगा। तो मैं यहाँ यस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने यस पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज आ गया यू हैव डिक्लेयर दैट प्रीवियस एंट्रीज एंटर्ड हैज बीन कंप्लीटेड फॉर योर यूनिट। तो यहाँ पे हमारा जो सर्टिफिकेट है यूनिट एडमिन की तरफ से जो सर्टिफाई होना था वो सबमिट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर का केस है वो प्रोसेस होने के लिए एलिजिबल हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम यहाँ पे प्रोसेस ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर केस पे क्लिक करते हैं। तो इस मेन्यू पे जब हमने क्लिक किया तो देखिए अब यहाँ पर हमारा ये मेन्यू आने लग गया। पहले यहाँ पे एक रेड कलर से एरर मैसेज आ रहा था। तो गाइज इस तरीके से आपका यूनिट एडमिन जो आपकी प्रीवियस एंट्रीज है लेजेसी डाटा जो एंटर्ड होना था उसके कंप्लीशन का सर्टिफिकेट सबमिट करेगा एचआरएमएस में, और ये सर्टिफिकेट सबमिट करने के बाद उस यूनिट के लिए ट्रांसफर मॉड्यूल फुली एक्टिवेटेड हो जाएगा और जो भी एम्प्लॉय अपना ट्रांसफर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो आगे उनके सुपरवाइजर की आईडी पर दिखने लगेगा और जो भी प्रोसेस होगा वो आगे होता रहेगा, ठीक है गाइस। तो ट्रांसफर के रिलेटेड मैं और भी सारी जो आगे की प्रोसेस है उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, तो आप चैनल पर बने रहिएगा, मेरी सारी वीडियोस को देखते रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा। और गाइस ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको एचआरएमएस में कहां पर समस्या आ रही है, मैं कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने की। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।